हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जनपद में अपराधियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक ने अभियान तो छेड़ रखा है, लेकिन जनपद में अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है और वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। आपको बता दें कि बीते 3 जनवरी को नन्ही प्रसाद उर्फ नान्ही चौहान, उम्र 35 वर्ष, निवासी गब्बापुर थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती को गाँव के ही लोगों ने फोन करके जंगल में बुलाया था और उसकी कुल्हाड़ी से गला काट कर हत्या करके शव को छुपा दिया था। बताया जा रहा है कि मृतक युवक वन विभाग का मुखबिर था। 5 जनवरी को सुबह नन्हे प्रसाद का शव सिमराना सागौन के जंगल में अरारवा नाले में पाया गया। मृतक की पत्नी संदा देवी की तहरीर सूचना पर थाना सिरसिया में ब्रजेश पुत्र राम दुलारी चौहान, मोती राम पुत्र अमेरिका चौहान, पवन कुमार उम्र कटोरी पुत्र संतोषी लाल चौहान, विजय उर्फ विजय पुत्र बावर उर्फ डिप्टी गोड़िया निवासीगढ़ गब्बापुर थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को लगा दिया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर हौसला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक सिरसिया में टीम द्वारा अभियुक्तों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। गब्बापुर निवासी नन्हे प्रसाद जो 3 तारीख को कहीं उनके गायब होने की सूचना मिली थी कि कहीं गायब हो गए हैं, उनकी बीती रात में शव उनका प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों द्वारा आपस में साठ गांठ करके इनको धोखे से बुलवाया गया जंगल में और वहां पे इनकी हत्या कर दी गई। आला कतल कुल्हाड़ी भी बरामद किया गया है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या ये रिश्तेदारी में आता था? एक अभियुक्त इनका भांजा लगता है और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार। ये अभियुक्त गणों को ये शंका थी, अभियुक्त गण कभी कभी जंगल से जलावनी लकड़ी लाते थे तो इनको शंका थी कि ये शिकायत करता है। कोई रंजिश? इसके अतिरिक्त कोई रंजिश ऐसी नहीं पता चला।